भैया आप तो 100 बार बैल की प्रतियोगिता जीत चुके हैं, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और आप हमेशा इस प्रतियोगिता के लिए अकेले ही जाते हैं, आखिर हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? प्यारी बहनों, लड़कियां जीत का जश्न मनाती है ना कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है। आज के बाद ऐसी बातें सोचना भी मत, ये जश्न सिर्फ मर्दों के लिए है। तुम्हारा भाई फतेह हासिल करने चला। भैया 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 पीछे से मत टोको, एक मिनट रुको तो। ओ आरती, साले। ए, तो बैल निकाल, मैं इनकी बैल बजा के आता हूँ। भैया देख यार, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ने वाले हैं। तो फिर शुभकामनाएं दे रही क्यों, आज ही खरीद कर तुम्हें जला देते हैं। अच्छा यहाँ तुम कर क्या रहे हो? मैं तो यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ। ओ, नीम के पेड़ के नीचे? हाँ भैया। कुत्तों, कमीनों, तुम जैसे लफंगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सरकार ने ये बेंच मेरी बहनों को ताकने के लिए नहीं लगाई है। कोई काम धंधा नहीं है, दिन भर लड़कियों को छेड़ते रहते हो। हमारे देश का भविष्य तुम नौजवानों के हाथों में है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो निकलो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए टकले, मैं जानता हूँ इन सबका लव गुरु तू है। लड़कियों के बारे में सोच सोच कर साले टकले सर के बाल भी नोच लिए तूने। अगली बार यहाँ दिखा तो तेरे टकले को ढोल की तरह बजाऊंगा। चल निकल, यहाँ क्या कॉमेडी की तमर चल रहा है, चलो भागो। अमर भैया, ना तो आप टीवी देखने देते हैं और ना ही फिल्म के लिए ले जाते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट होगा कैसे? आपको अपनी बहनों पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, हम सभी तो एक ही बाप की औलाद हैं, मैं तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन लड़कों का भरोसा नहीं है, न जाने कब पीछे के रास्ते से एंट्री मारे और तुम्हें आगे के रास्ते से भगा ले जाए। लड़के और शीशा एक जैसे होते हैं, अगर आ जाए उनमें क्रैक तो जिंदगी भर का बदल जाता है ट्रैक। इसलिए कहता हूँ कि अपना दरवाजा बंद रखना, जैसे ही दरवाजा खुलेगा कौवा दाना चुग जाएगा, समझ गई ना? जाओ 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 जाओ। ए बैल, बैल को ले चल, पूरा दिन डांटते रहते हैं। क्या रे, बस में बैल को लेके कहाँ जा रहा है? रजिस्टर ऑफिस जा रहा हूँ, इस गेंडे की बैल के साथ शादी करवाने। हर हफ्ते एक ही बात बतानी पड़ेगी क्या? बैलों के महायुद्ध में जा रहा हूँ। ये बात तो तू 5 साल से कह रहा है, 5 साल में तो सरकार भी बदल जाती है। पता करना पड़ेगा कि तू बैल को लेके जाता कहाँ है। ये तो पता कर ले कि तेरी बीवी को कौन भगा ले गया। इधर उधर झाड़ी मार, कोई देख तो नहीं रहा है? कोई नहीं है, गेट खोल, ये उतावला हो रहा है। झंडा काट दिया। चल चल, लगा नंबर लगा, मजा शुरू। अरे मालिक, अपने झुमरू प्लेयर ने तो छक्का मार दिया है और आप है कि दुखी होकर खड़े हैं। दुखी नहीं हूँ तो क्या करूँ, अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बैल रेस में जा रहा हूँ, बैल रेस में जा रहा हूँ। बहनों से ये कहता हूँ, अगर उन्होंने मेरे बैल की ये रेस देख ली तो मैं उन्हें फेस दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अब समझ में आया कि आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। अरे इस काम से तो अपने ठर की बैल कितना खुश होता है। इसीलिए मैं सोचूं कि इस काम में तुम मेरे असिस्टेंट क्यों बने हो, फ्री का शो देखने के लिए ना? तेरे में और बैल में कोई फर्क नहीं। कल्लू, हमारे देश में टाइगर के साथ साथ पशुओं की संख्या घटती जा रही है, तो सोचा क्यों ना समाज सेवा करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए। बासी, अपना बदबूदार मुंह बंद कर, बैल को नहला दे, घर जाना। झुमरू, आज हमारे बैल ने 4 प्रतियोगिता जीती हैं। जा इसके थाई को मसाज दे, जा। अबे तू कब से इतनी महंगी चप्पल पहनने लगा? कुत्ता लाया होगा, मुझे तो पगार ही नहीं मिली। कुत्ता एक चप्पल लाएगा, दो क्यों लाएगा? अरे साहब, शायद कुत्ता 2 बार गया होगा। यही चप्पल सर पे मारूंगा, मेरे पैसे की खाता है, साइड कुत्ते की लेता। चल अंदर। अपने रिश्तेदार को साले काले तू मेरे घर पर बना देता है, पता नहीं इस घर में 3-3 जवान लड़कियां हैं। आपको पता है, इसे थोड़ी ना पता है, मार मार के कचुंबर बना देगा। ठीक है, मैं यहीं गुस्से को पी जाता हूँ, तू आगे जाकर बात को आगे बढ़ा। भैया, अरे ओ मेरे भैया, क्या बात है, आजकल भिखारी घर में घुसकर भीख मांगने लगे हैं क्या? क्या इनके पहनावे से आपको लगता है कि ये भिखारी है? गेटअप बदलने से भिखारी राजा थोड़ी हो जाता है। बातों से नहीं, हाथों और लातों से बात होगी। सुबह से ही मेरी हथेली में बहुत खुजली हो रही है, जल्दी बता कौन है तू? जिस घर में 3 खूबसूरत लड़कियां हैं वहाँ तेरे जैसा फटीचर क्या कर रहा है? मैं उन 3 का भाई हूँ। माँ आ रही हूँ। तुम हो, मुझे लगा बैल आया है इसलिए कल का बासी खाना ले आई। पता नहीं तुम हर वक्त ये बैल की तरह माँ माँ क्यों चिल्लाते रहते हो, पिछड़े नहीं देखते क्या? प्यार से मॉम बोलाओ। मम्मी, संजान के सामने मेरा अपमान मत करो, अपने छोटे से मुँह से मेरी बड़ी तारीफ करो। ये नाकारा नालायक निकम्मा बेटा। अब इस फटीचर का मुझे इंट्रोडक्शन दो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट बेटा है। आपके बेस्ट फ्रेंड के फर्स्ट बेटे की रिटर्न फ्लाइट कब की है? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अबे अनजान, मैं तेरे घर नहीं आया, तू मेरे घर क्यों आया? फैमिली मैटर बाद में सुलझाना, वहाँ ठरकी बैल को खाना मिल गया, मुझे कब मिलेगा?
तो ठीक है, ये कुत्ते का खाना तू खा ले। किसी का भी हो चलेगा। खाने दो। बैल के खाने को कुत्ते का खाना बोलता है। ओ हीरो, कब आया तू? थोड़ी देर पहले। कब जाएगा? आइडिया नहीं है। आई विल गिव यू आइडिया। मेरी बात कान खोल के सुन। कल सुबह होते यहाँ से रफो चक्कर हो जा, वरना कल ये मुझे मुंडवाकर तुझे पूरे शहर में घुमाऊंगा। याद रख बापू, अमर नाम है मेरा। इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इस घर में मेरे और मेरे बैल के अलावा कोई मर्द नहीं दिखना चाहिए। हाँ। जल्दी से उसे दो जली हुई रोटी देके खाना खिला के रफा दफा कर। खाना तो वो सुबह से खा रहा है। शर्माओ मत, पेट भर के खाओ। हाँ, कम पड़ेगा तो और बना दूंगी। बहनो, तुम इसे एक आदमी का खिला रहे हो कि 10 आदमी का? केले का पत्ता कितना बड़ा है। जन्म जन्म के भूखे पहला राउंड हो गया। हाँ, नौवा राउंड चालू है। लौटा लौटा, इसे घुर के हो गया तो मुझे खाना दे। आप बाद में नहीं खा सकते थे, अब हम पर जासूसी करने। इतने छोटे पत्ते पे खाना देगी आप प्रशांत? अरे क्या, ऐसे परोसोगी तो शाम हो जाएगी। लाओ दो। मेरे लिए अब बहुत भूख लगी है। मैं पड़ोसी के घर से लेके आता हूँ। क्यों, यहाँ खाना कम पड़ गया क्या? तुम बैठे हो ना, कम तो पड़ना ही था। हाँ वो तो है, थोड़ा डाल दो ना। ए, छोटी छोटी सुन, सारी सब्जियाँ रख दे। पहले से ही रखी हुई। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, यहाँ रखेगी तो खत्म हो जाएगी, किचन में रख दे। लगता है खाना आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना है। आइटम कैसी है? तीनों आइटम मस्त है। तू किसकी बात कर रहा है? तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? मैं खाने के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं भी खाने की तारीफ कर रहा हूँ। ओह अच्छा है कि मेरे बहनों की बात नहीं कर रहा, पानी में डुबो के पापड़ ही खा लेता हूँ। अरे पापड़। हेलो, ये शरीफों का घर है, खाने पे कुत्ते की तरह मत झपटो। इस तरह उंगलियां चाटोगे तो सामने वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ। गंदा लगता है। आज मिल्का भोपू इतनी जल्दी कैसे बच गया? मेरे डकार की आवाज थी। इतनी जोर से डकार लोगे तो मिल के वर्कर सोचेंगे कि छुट्टी हो गई। अच्छा चलो, केले का पत्ता फेंक के आते। हम मेहमान से काम नहीं करवाते, पत्ता चाट के इतना साफ हो गया कि शाम को भी काम आएगा। जाओ हाथ धो के आओ, जाओ। देखो तुम इससे दूर ही हैं? कहाँ गए तुम लोग? अरे अरे रुको। ए! ये लो। क्या कर रहा था? अरे हाथ तो पोछ दो। लड़कियों का पल्लू ही मिला, मेरी लुंगी क्या मर गई है? पोंछ ले, आज ही के दिन के लिए तो पहनी है। चलो ठीक है, थैंक्स चिरकुट। अरे अरे चिरकुट बोल के मेरा चीर हरण करके चला गया। भैया ये हमारे हैं कौन? दादाजी। हाँ, अगर मैं आपसे बड़ी होती तो भैया वो आपके जीजा लगते। दूध पड़ी है, निकल यहाँ से। इनको पैदा करते वक्त पिताजी न जाने कौन से मूड में थे कि इन तीनों के ऊपर का दिमाग खाली रह गया। एक रात की ही तो बात है, कल से मेरी हुकूमत होगी। और अचानक उस उड़ते पंछी ने एक अंडा दिया। अब बताओ उस अंडे का क्या हुआ होगा? जमीन पर गिरकर फट गया होगा। अरे नहीं रे, उसने अपनी तरह चड्डी पहनी हुई थी। अरे चिरकुट सोया रही अभी तक? तीन तीन जवान बहनों के साथ एक शैतान बैठा हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? तुझे भजन कीर्तन कुछ नहीं आता क्या? कब से फालतू जोक मार के खुद ही करके हंसे जा रहे हो? चल बाहर, खटिया डाल दिए। अरे नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगा बाहर, बहुत ठंड है वहाँ तो। बाहर ठंड है लेकिन यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। चल 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 चल। भैया प्यारे हमें चुटकुले सुना रहा है। काय का चुटकुला, ये सारे तो मैंने पांचवी क्लास में सुने हुए हैं, भूल गए? मैंने इससे भी अच्छे अच्छे सुनाए हैं। अरे क्या भैया, आप तो हमें वही वेज जोक सुनाते हैं, प्यारे ना हमें नॉन वेज जोक सुना रहा है। अच्छा अच्छा, मैं भी तो सुनूं इसने कौन सा नॉन वेज जोक सुनाया। प्यारे जी हमें नींबू संतरे में फर्क बता रहे।
मेरे भाई क्यों मेरी वेजिटेरियन बहनों को नॉनवेज बनाने पे तुला है? कुछ हो गया ना तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। चल चल सोने जाके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आज मेरी पहली रात है। अबे झटके क्यों दे रहा है? हाँ, जब भी मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ मुझे फर्स्ट नाइट नींद नहीं आती है। तुम जाओ ना जाके सो जाओ। दो तो वैसे भी बज चुके हैं, 6 बजे तक जाकर मैं तुझे केले मिर्ची के जोक सुनाता हूँ। सुबह जाना भी है तुझको, चल डायरेक्ट स्टेशन निकल जा। चल चल उठो। इसके पीछे पड़ा हूँ क्योंकि ये तीनों के पीछे पड़ा है, कब समझ में आएगा? चल जाके सो जाना। मैं पहले किशोर कुमार से लोरी सुनूंगा रेडियो पर, उसी के बाद नींद आएगी। अरे किशोर कुमार क्या, मैं तुझे मुकेश हिमेश सबकी लोरियां सुनाता हूँ। चल जल्दी अभी चल चल। अरे सोना, मैं आता हूँ अभी आता हूँ। नीचे नीचे चिरकुट। चिरकुट बोल, क्या तुम्हारी बड़ी बहन सो गई होगी? क्यों पूछ रहा है बे? क्योंकि उसे अपना भविष्य जानना था। मैंने कहा मैं हाथ देखना जानता हूँ, देख रहा हूँ। सो जा वरना तेरा भविष्य मैं खराब कर दूंगा। सो जा। चिरकुट चिरकुट। क्या है रे, तुम्हें नींद कब आएगी? जब तीनों बहनों के हाथ पीले होंगे तब मुझे नींद आएगी। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? कैसे? उनकी शादी कराने में। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं संभालूंगा। मदद करने दो ना। कल सुबह होते ही तुम यहां से चले जाओ, तुम इतना मेरे लिए करो तो काफी है। सो जाओ। साला, कम से कम एक बहन की जिम्मेदारी। सो जा बे। अरे खटिया खड़ी हो गई, धीरे। हाय राम, मेरा पिछवाड़ा मर गयो, लुट गयो, बर्बाद हो गयो। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे किसी उल्लू की तीन बहनें भाग गई हों और वो रो रहा हो। ए चिरकुट, तू यहाँ क्यों सो रहा है? तू तो ऊपर सो रहा था ना घोड़े बेचकर। खुद ही घसीट कर मुझे यहाँ ले आया और पूछ रहा है। ए, घूम जा, मुझ पर बिन बादल बरसात हो रही है। लगता है मेरे राहु की महादशा शुरू हो गई। अरे चिरकुट, मेरे हाथ में थोड़ी है, अब बरसात तो बिन बादल के भी हो सकती है ना। अरे तुम्हें टंकी खाली करने की इतनी जल्दी थी तो बिस्तर पर ही कर लेते, तुम्हारा किया धरा सब कुछ मैं अपने ऊपर ले लेता। अब क्या जमीन पर पसरा आ, आ, ई, उ, 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 करता रहेगा। चलो अंदर चल। मैं यहाँ अपनी मर्जी से थोड़ी ना आया था, रोचन की गाड़ी की तरह मुझे घसीट घसीट कर तुम यहाँ लेकर आए। अब मेरी डिक्की क्या, बम्पर क्या, सब ठुक गई है। बहुत ही कमजोर खिलाड़ी हो चिरकुट, इसलिए छोटी चोट में भी दर्द बड़ा ही होता। चलो कल सुबह मिलते हैं चिरकुट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो मेरी बहने, मेरी बहने।